सबसे पहले उस सेफ की सियासत आपको दिखाते हैं जिसमें एक नारा है और नारे के बदले तिजोरी खुली। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक नए अंदाज में बीजेपी और महायुति यानी एनडीए को घेरा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक तिजोरी रखी दिखी। तिजोरी के बाहर प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा लिखा, एक है तो सेफ है। ये नारा बहुसंख्यक वोट को जोड़ने के लिए और विपक्ष की तरफ से होती जाति आधारित राजनीति के जवाब में धर्म के नाम पर जोड़ने के लिए दिया गया है। इस तिजोरी को खोलकर राहुल गांधी ने दो पोस्टर निकाले, एक में पीएम मोदी पर सियासी वार दिखा, दूसरे में धारावी का सवाल था। नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए, और ये स्ट्रेटजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए, ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है, ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सेफ है तो कौन सेफ है, अदानी जी सेफ हैं, कष्ट किसको होगा, धारावी की जनता को होगा, नुकसान किसका होगा, धारावी की जनता को होगा, जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है, नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया, इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दरअसल अभी से नहीं बल्कि पहले मुंबई में सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी को विकसित करने का जिम्मा अडानी ग्रुप को मिलने पर विपक्ष सवाल उठाता आया है। आरोप लगाया कि एक व्यक्ति के हित के लिए धारावी के हित से समझौता किया जा रहा है। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का, तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं, मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा। आज तक संवाददाता साहिल जोशी के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि धारावी पर वो उद्धव ठाकरे के ऐलान का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में धारावी प्रोजेक्ट का टेंडर खत्म कर देंगे। महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी, वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अडानी का टेंडर रद्द करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है? कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था, तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज़? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है,
हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं।